अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा जी, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम और सुबह के 7 बज रहे हैं। अच्छा, आज मैं जल्दी उठ गई थी और बच्चों को स्कूल भेज दिया था और उसके बाद बस यहाँ पे मेरी रूटीन स्टार्ट है। तो बस जी, ये जो वीडियो तो मैंने 3 डेज पहले बना दी थी एंड वॉइस ओवर भी आज करके अपलोड कर रही हूँ। बीच बीच में ना 3 डेज का गैप आ गया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरी तबीयत आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी 3 डेज़ का गैप हो गया तो बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा मुझे टेम्परेचर था, इतना ज़्यादा फीवर था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो अपलोड कर लूँ। तो 3 डेज़ से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं। और क्योंकि मतलब मैं इतनी मेरी तबीयत डाउन थी कि मैं उठ नहीं सक रही थी, और आज थोड़ी बहुत हिम्मत की मैंने और उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा भी मतलब थोड़ी सी अपनी रूटीन में आ जाऊँ वापस। तो बस यहाँ पे अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही हूँ और बच्चे स्कूल चले गए थे। अच्छा, आज सुबह से वेदर बहुत ज़्यादा फोगी था, यहाँ पे बहुत फोगी वेदर था, तो जिसकी वजह से फिर ये हालांकि बच्चों का स्कूल की टाइमिंग अभी लेट थी, मतलब 7:30 बजे बच्चों ने स्कूल जाना था, लेकिन आज बच्चे जल्दी स्कूल चले गए थे क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा फोगी हो रहा था, जिसकी वजह से मतलब मेरा यही प्लान था कि बैठो रहना लेट बच्चों को स्कूल भेजूँ, लेकिन वो ऐसा है ना कि जो बच्चों का जो ड्राइवर लगवाया है, वैन लगवाई है, तो वो ना जल्दी आ जाती है, मतलब तो इस वजह से भी मुझे बच्चों को जल्दी भेजना पड़ा। तो यही था, बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के फिर मैं वापस आ गई और मैं किचन में आ गई थी और बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी वगैरह स्टार्ट कर लिया मेरे। तो नाश्ता बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और अच्छा, आज ना मेरी तबीयत आज ही मतलब डाउन थी काफ़ी ज़्यादा ना, और मतलब ये होता है ना कि जिस टाइम टेम्परेचर होने लगे तो ना मुझे ना इस तरह मेरा थायराइड का प्रॉब्लम भी है ना, तो मुझे ना मीन्स इस तरह ना गले में पेन स्टार्ट हो जाती है ना। तो मतलब मुझे ना सुबह से ही तबीयत काफ़ी ज़्यादा मेरी डाउन थी, जब बच्चों को इवन मुश्किल से मेरे स्कूल भेजा ना तैयार करके, मतलब इतनी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठूँ और बच्चों को ना प्रॉपर तैयार करके इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि मैं बच्चों को स्कूल भेज दूँ, मतलब तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा डाउन हो रही थी। तो सो जैसे तैसे करके मेरे फिर बच्चों को उठी और उठ के फिर उनको मेरे तैयार किए, और आज ब्रेकफास्ट भी मेरे नहीं उनको प्रॉपर करवा सकी। तो बस जैसे तैसे करके मैंने उनका लंच वगैरह रेडी किया, तो उसके बाद फिर मैं बच्चों को मेरे स्कूल भेजा। तो वो टाइम तो फिर मतलब इतना ज़्यादा, अभी तो 7:30 बजे का टाइम है, लेकिन जिस टाइम भी उठी थी तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा रहा, मतलब इतना था कि मेरा माइंड ही नहीं खुल रहा था, दिमाग ही नहीं खुल रहा था, और इतनी शदीद ठंड जिसका हिसाब नहीं। तो वो फिर मुश्किल से भी उठी, उठ के बच्चों का फिर यूनिफॉर्म प्रेस किया। हालाँकि अच्छा, आज कल ना कुछ रूटीन मेरी ऐसी चल रही है ना कि रात को ना टाइम नहीं मिलता मुझे, वरना मैं समझा रात में ही ना बच्चों को यूनिफॉर्म प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन आजकल मुझे रात में टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं मॉर्निंग में ही बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करती हूँ। तो वो मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मुझे इतना नहीं था कि मैं उठ के बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँ, इवन आज मेरे बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं प्रेस किया और ऐसे ही मेरे स्कूल में बच्चों को भेज दिया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे आज सारा जो मेरा व्लॉग है वो बस मेरे किचन में ही शूट किया है क्योंकि तबीयत जब इजाज़त नहीं देती है तो फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता। और बस ये जो भी है मेरे नाश्ते की रूटीन वगैरह जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये है कि यहाँ पे अभी अच्छा, अब बच्चे मूसा जो हैं वो जल्दी आ जाएगी, 12 बजे आ जाएगी स्कूल से। हानिया लेट आती है, हानिया ने 1:30 बजे आ रहे हैं क्योंकि मूसा की तबीयत भी काफ़ी थोड़ी सी डाउन थी, तो फिर मैंने मूसा की टीचर को फ़ोन कर दिया था कि मूसा को ना 12 बजे मूसा आ जाएंगे, तो इस वजह से तो बस मूसा आ गए थे। अच्छा भी अब आपसे दिन के टाइम मिल रही हूँ यहाँ पर, तो मूसा आगे हैं और मूसा को मैंने चेंज वगैरह कर लिया था, अभी मैं मूसा के लिए यहाँ पे फ्राइज़ रेडी कर रही हूँ, मूसा के फेवरेट, मूसा को बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे मूसा के लिए मैं फ्राइज़ रेडी कर रही हूँ और मूसा चाट में ना पंगे कर रहे हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि मूसा का यही होता है कि बस ना वो उन्होंने कंटिन्यूसली ना साथ में मेरे साथ ना पंगे करने होते हैं। तो मूसा के यहाँ पे जी फ्राइज़ रेडी हो गए थे और साथ में अब हानिया के लिए भी फ्राइज़ रेडी कर रही थी क्योंकि हानिया का भी स्कूल से ना आने का टाइम हो गया था इस वजह से। अच्छा, मेरा गला इतना ज़्यादा पेन कर रहा है, इतना ज़्यादा पेन कर रहा है ना कि अभी मैं मुझसे प्रॉपर बोले नहीं जा रहा ना, तो बहुत ही मुश्किल से मैं बोल रही हूँ क्योंकि वॉइस ओवर करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा गले का इशू है।
और आप सबको भी ना आज मेरी आवाज़ चेंज लगेगी क्योंकि मेरे गले का बहुत ज़्यादा इशू था और इवन मतलब इतना ज़्यादा ज़्यादा तो ज़्यादा है कि मैं कंटिन्यूसली क्योंकि वॉइस ओवर करने में फिर कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है इस वजह से, तो मैं रुक रुक के ठहर ठहर के बोल रही हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मेरे भूसा को बना के दे दिए थे फ्राइज़, अभी मैं हरिया के फ्राइज़ रेडी कर रही हूँ। और आज का व्लॉग थोड़ा स्लो स्लो ही है, वैसे भी आप सबकी जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मुझे हर हाल में अप्रिशिएट करते हैं, मतलब उनको पता है कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो मतलब उनको भी मैं बुरा तो नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि उन जितने भी वो हैं भाई साहब हैं उन सबको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा मेरे जो रिसेंटली व्लॉग्स आ रहे हैं, स्पेशली जो मेरा आज का व्लॉग है तो वो भी जस्ट किचन में ही है, तो इस वजह से उन सबको बहुत गुस्सा आएगा। तो सो मुझ में मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस ये मैं बस अपने काम पे ध्यान देती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा, कोई पॉजिटिव सोच रहा। तो फिर किचन में आके मैंने मूसा कह रहे थे कि मैंने फ़्राइज़ खाने, तो अभी यहाँ पे मैं मूसा के लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ, साथ में चाय का इतना मन करता है क्योंकि ठंड है काफ़ी ज़्यादा है ना, और फिर आज मेरी तबीयत भी डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है, कल भी डाउन थी, आप लोगों से मैंने शेयर किया था, और आज भी मेरी तबीयत डाउन है, तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे ज़रूर कीजिएगा। तो बस यहाँ पर अभी मूसा के लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ और चाय बना रही हूँ अपने लिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मूसा के लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और ये मैं चाय बना रही हूँ, देख रहे हैं ये चाय बन रही है मेरी। अच्छा, इस चाय में मैं ना मेरे पत्ती ज़्यादा डाल दी है, मतलब मैं इस तरह की चाय पीती हूँ ना ज़्यादा पत्ती वाली, इसको ना अभी मैंने सही बॉईल करना है, मतलब 3-4 दफ़ा जब ये चाय बॉयल होगी देन ये मेरे काम की होगी ना, तब मैं पीती हूँ इसको। अच्छा, और मूसा प्ले कर रहे थे बैठ के, मूसा को मैंने मतलब दे दिया था, वीडियो गेम्स खेल रहे थे, और उसके बाद अभी वो अपना प्ले करना स्टार्ट हो गए। तो बस मेरा जो आज, अच्छा आज मैंने जाना था सैलून जाना था, और उसके बाद मार्केट जाना था, थोड़ा सा काम था, लेकिन आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, इवन मेरा कल भी दिल नहीं था, आज भी दिल नहीं है, लेकिन आज जाना है हर सूरत में, क्योंकि मैंने आज अपने ना कपड़े पिक करने, वरना टेलर चला जाएगा। तो बस ये है कि ये जी मेरी रूटीन होती है जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, सोचा कि आप फ्राइज़ बना रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ, और थोड़ी सी आपके साथ गपशप भी लगा दूँ। और बस यहाँ पे अब मैं वापस आपसे मिल रही हूँ, और फ़्राइज़ मेरे बना लिए थे, और बस अब यहाँ पे मैं हरिया के लिए फ़्राइज़ रेडी कर रही हूँ, तो हरिया के लिए फ़्राइज़ रेडी कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे मामा के साथ बातें कर रही हूँ क्योंकि मामा भी आ गई थी किचन में, और ऐसे लग रहा होगा क्योंकि मामा फ़ोन के साथ ही खड़ी थी, तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं फ़ोन को देख के यूँ बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं मामा के साथ एक्चुअल में बातें कर रही थी। तो बस यहाँ पे अभी जल्दी जल्दी से मैं रेडी हो गई, फ़्राइज़ भी सॉरी रेडी हो गई है, और लास्ट पे मेरे थोड़े से अपने लिए बनाए थे फ़्राइज़ क्योंकि मेरा भी काफ़ी ज़्यादा बड हो रहा था फ़्राइज़ खाने का आज काफ़ी टाइम के बाद, तो साथ में बस फ़्राइज़ बना ली, अब साथ में चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और चाय बना के उसके बाद फिर मेरे मतलब अभी मेरा दिल था कि मैं चाय पीऊँगी, लेकिन बच्चों को फ्लू हो रहा था तो बस यही सोच रही थी कि बच्चों के लिए मैं कहवा बना लूँ, तो बस अब यही सोच लूँ कि चाय बनाऊँ या कहवा बनाऊँ कोई समझ नहीं है, लेकिन फिर मैं सोच के वापस मेरे चाय बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो बस ये है कि जब तबीयत डाउन हो तो कुछ भी समझ नहीं आता, फिर यही होता है ना कि फिर जो मतलब कुछ समझ नहीं आता फिर जो सामने हो, और बस ऐसे ही होता है तबीयत डाउन हो ना तो कुछ समझ नहीं आता, नहीं पर मुझे इतना ज़्यादा गले में पैर था कि मैं ना बार बार वो करके बोल रही थी, मतलब कि बार बार मैं ठहर ठहर के वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि कंटिन्यूसली मुझसे वॉइस ओवर हो नहीं रहा था, तो इस वजह से, और यहाँ पर भी कंटिन्यूसली बस मैं बातें ही किए जा रही थी, कज़न भी आ गई थी किचन में ही थी उसके साथ। तो बस ये है कि अभी मैं केचप डाल रही हूँ अपने लिए ढेर सारा क्योंकि केचप वाले फ़्राइज़ मैं लाइक करती हूँ, मुझे पसंद है इस वजह से, और बस ये है कि पता नहीं 3 डेज़ पहले मैंने वीडियो शूट की थी, तो ये होता ही ना कि बंदा कल की बात भूल जाता है, अब ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि 3 डेज़ पहले मैं इस टाइम क्या कर रही थी क्योंकि वीडियो शूट कर ली थी बट मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी इस वजह से। तो बस ये है कि अभी बस यहाँ पे मेरे फ़्राइज़ भी रेडी हो गए जल्दी जल्दी से, और फ़्राइज़ वगैरह रेडी करके तो उसके बाद बस बैठ के जाके खाना है फ़्राइज़, और साथ में चाय पी रही है क्योंकि वेदर ऐसा हो रहा था और कुछ भी और करने का मन नहीं कर रहा था, दिल नहीं कर रहा था, तो बस जल्दी जल्दी से
यहाँ पे अभी से अभी सो फाइनली मेरे चाय ही यहाँ पे बना ली थी। तो बस ये है कि अच्छा मैं कपड़े वगैरह मेरे वाश कर लिए थे मॉर्निंग में ही ना, उनको भी मेरे फ्लोर पे डाल दिया था तो मतलब उनको तो उस सॉरी उनको मैंने रोफ पे डाल दिया था। वो है ना कि आज मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, मैं बोल बोल कुछ बोलना कुछ चाह रही हूँ और मैं बोल कुछ पा रही हूँ, एक्सेक्ट मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, तो ऐसे ही होता है। अभी यहाँ पे मैं लास्ट में चीनी डाल रही हूँ चाय में, क्योंकि चीनी को और ऐसे ही होते हैं, मतलब जब बोलना कुछ चाह रही हूँ बोल कुछ पा रही होती हूँ तो स्पेशली जब हल्क डाउन हो तो ऐसा ही होता है। और आज बिल्कुल जिस तरह मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मतलब बिल्कुल मेरा माइंड नहीं है, मतलब एक जगह पर नहीं है बाइक, तो ऐसा हो जाता है सब टाइम। तो बस ये है कि अभी यहाँ पे चाय मेरी बॉईल हो रही है और चाय में काफ़ी मतलब बॉईल ज़्यादा होती है, बॉईल मतलब होती रहती है वो वाली चाय भी पीती हूँ। तो यहाँ पे ये है कि अपनी चाय को मैं अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी। और बाकी ये था कि ऊपर कपड़े वगैरह तो मेरे डाल दिए थे, मतलब ये था कि बिल्कुल ऐसा हो रहा था ना कि बारिश होने वाली है लेकिन बारिश हो नहीं रही, तो यही सब सीन बना हुआ है क्योंकि बारिशें नहीं हो रही, फोग बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन बारिशें नहीं होती। तो बस अल्लाह रहम करे, और पता नहीं क्या बात है कि बारिशें नहीं हो पा रही। अच्छा जी, अब मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ पे शाम के टाइम, रात के टाइम मेरा दिल कर रहा था मैं राइस खाऊँ तो मैं अपने लिए यहाँ पर राइस बना रही हूँ। और अभी मेरे बच्चों को खाना दे रहे हैं, खुद खाना है क्योंकि मैं शाम में फिर चली गई थी मार्केट, चली गई थी कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी, तो इस वजह से फिर थोड़ा लेट आई हूँ मैं। तो फिर अभी मेरा कुछ वो नहीं हो रहा था कि अभी मैं क्या बनाऊँ, तो बस मैंने यही सोचा मैं राइस बनाती हूँ। बाकी अल्लाह हाफिज़।